आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, जबकि 32 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 7, पौड़ी में 16, चमोली में 4, ऊधम सिंह नगर में 3, हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिले में एक एक संक्रमित मिला। हरिद्वार जिले में 3 मरीजों की मौत बैकलॉग की सामने आई है। इन्हें मिलाकर अब तक 7380 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 32 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। भूस्खलन भूधसाव से 219 सड़कें बंद। तो प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और भूधसाव से 5 नेशनल हाईवे समेत कुल 219 सड़कें बंद हैं। टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलेथा तक बंद कर दिया है। लोगों को पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 5 नेशनल हाईवे, 15 स्टेट हाईवे, 7 जिला मार्ग, 13 अन्य जिला मार्ग, 90 ग्रामीण सड़कें, 89 ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। पवनदीप बने निर्वाचन आइकन। तो रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता चंपावत जिले के उभरते युवा गायक पवनदीप राजन को राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन आइकन बनाया है, जो वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। आज भी भारी बारिश। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। काबुल धमाके में मौत का आंकड़ा 170 पहुँचा। तो काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिक और 95 अफगानी सैनिकों समेत मृतकों की संख्या 170 पहुंच गई है। 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं 16 घंटे से बंद निकासी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। चुने वक्त और जगह पर देंगे जवाब। तो बाइडन, राष्ट्रपति बाइडन ने कहा कि हम अभियान पूरा कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। मैंने उन्हें यही आदेश भी दिया है, आतंकवादियों के आगे हम घुटने नहीं टेकेंगे। इस दौरान बाइडन भावुक दिखे, रुधे गले से उन्होंने कहा, हम हमले के जिम्मेदार लोगों को अपने चुने हुए वक्त और जगह पर जवाब देंगे। सरकारी महाविद्यालयों के 1,00,000 छात्रों को मिलेगा टैबलेट। तो प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों में 1,00,000 छात्रों को सरकार टैबलेट देगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में घोषणा की है। इन्हें एक मुश्त 10,000 रुपये। तो सीएम ने कोविड काल में सराहनीय कार्यों के लिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायक तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को एक मुश्त 10,000 की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। भवन कर माफ होगा। तो मुख्यमंत्री ने राज्य के कैंट बोर्ड एरिया निवास करने वाले पूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने के संबंध में उचित कार्रवाई करने की घोषणा की है। भू कानून के लिए कमेटी गठित। तो भू कानून में संशोधन की उठ रही मांग के बीच मुख्यमंत्री ने पूर्व सचिव व उत्तराखंड राजस्व परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है। स्कूलों में छात्राओं के लिए बनाएंगे अलग से शौचालय। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। दिसंबर तक आ सकती है भारत की डिजिटल करेंसी। तो भारत में दिसंबर तक अपनी डिजिटल करेंसी आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका परीक्षण शुरू करने की तैयारी करेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि डिजिटल करेंसी के सभी पहलुओं पर लंबे समय से काम चल रहा है।
पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जल्द। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर, केंद्र सरकार को जल्द भेजा जाएगा। दून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल ढहा, दो घायल। तो ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर रानी पोखरी में जाखन नदी पर बने पुल का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। पुल ढहने से दो छोटे मालवाहक वाहन और एक कार नीचे गिर गई। गनीमत रही कि पुल की ऊंचाई कम होने के कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वाहनों में सवार दो घायलों को सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती कराया है। हाईवे बाधित होने पर वाहन रानी पोखरी, भोगपुर और ऋषिकेश नेपाली फॉर्म होकर देहरादून आ जा रहे हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन से चार लोगों की मौत, 166 सड़कें बंद। तो उत्तराखंड में जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में अलग अलग घटनाओं में पिथौरागढ़ जिले में तीन और देहरादून जिले में एक व्यक्ति की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। पिथौरागढ़ में डेल्टा प्लस के तीन संक्रमित मिले। तो सीमांत जनपद में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। पूर्व में संक्रमित मिले तीन लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। शुक्रवार को सीएमओ ने प्रभारी धारचूला सीएससी को एक पत्र जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पूर्व धारचूला के तीन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें दो भारतीय व एक नेपाली नागरिक शामिल है। फेसबुक व्हाट्सएप के नए आईटी नियमों को चुनौती। तो नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। फेसबुक और व्हाट्सएप ने याचिका में सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों के लिए केंद्र द्वारा नए आईटी नियमों को चुनौती दी है। नए नियमों के तहत फेसबुक व्हाट्सएप सहित तमाम मैसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी संदेश को किसने भेजा। काबुल हवाई अड्डे पर फिर से आतंकी हमलों की आशंका। तो धमाकों से दहले काबुल हवाई अड्डे पर फिर से आतंकी हमले की आशंका है। अमेरिका में टीका न लेने वाले 29 गुना तेजी से बीमार। तो अमेरिका में टीका नहीं लगाने वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की दर 29 गुना पाई गई है। अल्मोड़ा में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर समेत तीन पर केस। तो नगर के एक निजी अस्पताल पर महिला की इजाज़त बिना उसकी एचएससी जांच करने पर डॉक्टर समेत तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मामले में अस्पताल के दो कर्मचारी बीरबल और गुलनाज को गिरफ्तार किया है। शर्मनाक नामी ज्योतिषाचार्य से हरिद्वार के होटल में दुष्कर्म। तो मुंबई और हरियाणा की जानी मानी महिला ज्योतिषाचार्य के साथ मायापुर स्थित एक होटल में दुष्कर्म किया गया। यह घटना जून वर्ष 2020 की बताई गई है। महिला ज्योतिषाचार्य की शिकायत पर मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज होने के बाद हरिद्वार ट्रांसफर किया गया है। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के दावे पर सवाल। तो मानसून सत्र में सदन के आखिरी दिन शुक्रवार को सरकार को विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ा, जहां विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने सदन में अपनी ही सरकार के लिखित जवाब को सत्य से परे बता दिया। वहीं सौरभ बगुणा ने भी उद्योगों में 70% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के दावे को किताबी करार दिया। समूह ख के पदों की भर्ती में भी एक साल की छूट। तो समूह ग के बाद सरकार ने सीधी भर्ती के समूह ख के पदों पर होने वाली भर्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा में छूट दी है। इन भर्तियों के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में एक साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह लाभ केवल पद विशेष के लिए एक बार होने वाली भर्ती में लागू हो। अगली विज्ञप्ति चयन प्रक्रिया में छूट नहीं मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। कुछ समय बाद कार्मिक विभाग ने इस बाबत विधिवत जीओ भी जारी कर दिया। सरकार के इस फैसले से बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 42 साल है। इस छूट से 43 वर्ष तक के बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
बेरीनाग अल्मोड़ा मार्ग पर 500 से अधिक यात्री फंसे। तो बेरीनाग अल्मोड़ा मार्ग पर भारी बारिश के बाद बोल्डर गिरने से बंद हो गया, वहीं इससे 500 से अधिक यात्री मार्ग में फंस गए। पिथौरागढ़ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। धारचूला में खतरे को देख 7 परिवारों ने घर छोड़ दिया। धारचूला मल्ली बाजार की 25 से अधिक दुकानों को पालिका ने बंद करा दिया है। 24 घंटे बाद भी महिला का नहीं लगा सुराग। तो बलुआ कोट जोशी गांव में मलबे में दफन महिला का 24 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। बीती रोज से ही महिला की खोजबीन के लिए रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी लापता महिला का कुछ पता नहीं चल सका। पति के हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। तो नगर के भाटकोड़ क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में परिजनों ने आक्रोश व आंदोलन के बाद पुलिस ने आखिरकार मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल गेट पर दिया बच्चे को जन्म। तो सीमांत जनपद में बंद व बदहाल सड़कों के बीच गर्भवतियों का अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। बंद सड़क के चलते प्रसव पीड़ा से जूझ रही मुंशियारी की 2 गर्भवतियों की जान आफत में फंस गई। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित। तो राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन विसंगति के लंबित मामलों को निपटारे के को लेकर के शासन ने कमेटी गठित की है। बिना तलाक दिए कर रहा था दूसरी शादी रुकवाई। तो पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरा निकाह करना युवक को महंगा पड़ गया। भनक लगते ही पहली पत्नी पुलिस को लेकर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने चलाए मुद्दों के शस्त्र, सीएम ने छोड़े घोषणाओं के अस्त्र। तो सत्र के में टकराने की बजाय बीच का रास्ता चुना। 5 दिन में सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे गरमाए। तो उत्तराखंड की 4th विधानसभा का आखिरी सत्र माने जा रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के लिए शस्त्र छोड़े। जवाब में मुख्यमंत्री ने टकराने के बजाय बीच का रास्ता चुना। वह जब जब सदन में आए उन्होंने लोक लुभावना घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। 5वें और सरकार के विधायी कामकाज के लिहाज से आखिरी दिन सीएम ने छात्राओं से लेकर पुलिस और पंचायत व राजस्व कर्मियों तक के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। कृषि कानूनों पर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। तो सत्ता पक्ष के साथ हुई विपक्ष की तीखी बहस। सांसद अनिल बलूनी की फिर हुई तारीफ। तो विधानसभा के मानसून सत्र में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को की फिर तारीफ हुई। शुक्रवार को विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को लेकर तारीफ की। उत्तराखंड में बनेगा एक और निजी विश्वविद्यालय। तो प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने वाला है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय का एक्ट विधानसभा में पास हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे मानदेय। तो प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है जिस पर जल्द ही सरकार फैसला लेगी। अस्पताल में यौन उत्पीड़न के आरोप में 2 गिरफ्तार। तो जीवन ज्योति अस्पताल में महिला से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है, इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा को लेकर के। तो सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त 63 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उत्तराखंड शासन के द्वारा सीधी भर्ती समूह ख के पदों पर चयन के संबंध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दिए जाने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा कूच करते युवा कांग्रेसी पुलिस से भिड़े। तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के युवा कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया। विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बेरोजगारी पर कांग्रेस से सवाल पूछें युवा। तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने युवा कांग्रेस के विधानसभा कूच को औचित्यहीन और पार्टी में चल रहा शक्ति प्रदर्शन बताया।
चौहान ने कहा कि बेरोजगारों के हकों पर डाका डालने और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण कांग्रेस के कुशासन के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। सहारनपुर पैसेंजर के संचालन को नहीं मिली मंजूरी, तो रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून से संचालित देहरादून सहारनपुर पैसेंजर एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी नहीं दी गई। नदियां, बादल और पहाड़ सब गुस्से में, तो मलबा आने से मसूरी मार्ग 18 घंटे बंद। रानी पोखरी में पुल टूटने से 37 किलोमीटर दूर हुआ ऋषिकेश। मसूरी में 251 मिलीमीटर बारिश हुई है। मसूरी में भितरली के पास फटा बादल, तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भितरली गांव के पास मजरा कडरियाना में शुक्रवार सुबह बादल फट गया, दो गौशालाएं बह गई। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में मलबे में दबने से 3, खाई में गिरने से 2 की मौत। प्रदेश में बारिश के चलते हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 3 और खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। अतिवृष्टि ने कई सड़कों को पहुंचाया नुकसान, यातायात अवरुद्ध हो गया है। एक सितंबर से घूम सकेंगे एफआरआई में, तो कोरोना का असर कम होने पर केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई परिसर को एक बार फिर पर्यटकों के लिए 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। चोरी के 4 मोबाइल के साथ युवक को दबोचा गया है, तो पूर्व में भी भेजा जा चुका है जेल, नशे की लत पूरी करने के लिए करता था चोरी। विधानसभा पर गर्जी आशा कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता बोली कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन के बाद भी सूद नहीं ले रहे जनप्रतिनिधि। तो उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती यूनियन आशा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को धर्मपुर से विधानसभा कूच किया। सीआरपीएफ से पुलिस को मिलेगी 8000 इंसास राइफलें, तो उत्तराखंड पुलिस को सीआरपीएफ से 8000 इंसास राइफल मिलने जा रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जूनियर असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नगर विमानन में कंसल्टेंट्स बनने का अवसर, तो नागर विमानन महानिदेशालय में 27 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक कोच के पदों पर करें आवेदन, तो भारतीय खेल प्राधिकरण में 220 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग प्रशिक्षक के पदों पर पाए नौकरी, तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है योग प्रशिक्षक के, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विज्ञप्ति के 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उच्च वर्ग में महिलाओं का शोषण सबसे अधिक, तो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल यौन हिंसा व बाल विवाह के लगातार सामने आते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के मामले निम्न या मध्यम वर्गीय परिवारों में नहीं, उच्च वर्ग में सबसे अधिक हैं। कोरोना काल में वन स्टॉप सेंटर में उच्च वर्ग में घरेलू हिंसा व शारीरिक शोषण के मामले ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। दंपति पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी पेशे वाले हैं। बद्रीनाथ जा रहे लोगों को पुलिस से धक्का मुक्की, तो यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर के हक गुदारुओं और लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली। वही खबर आई है पौड़ी से, मैक्स दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। तो नोठा सेंजी मोटर मार्ग पर नोठा के पास एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई, हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आदि बद्री से खबर है, ट्राला खाई में गिरने से 4 लोग घायल हो गए। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए खुलेगा खजाना, तो सीएम के मुख्य सलाहकार के अध्यक्षता में तैयार हो चुकी है पूरी योजना। 149 और बच्चों को मिला वात्सल्य योजना का लाभ। वजीफा न मिलने पर फूटा गुस्सा, तो उत्तरकाश से खबर आई है, छात्रवृत्ति का लाभ मिलने से न गुस्साए
बीएड के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर यातायात रोका तो भिन्नू खाला के पास धसा राजमार्ग, मसूरी से भेजे जा रहे हैं वाहन। चिन्याली शॉट से खबर आई है, बच्चों में मिले गंभीर बीमारी के लक्षण, हायर सेंटर रेफर। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली शॉट की मोबाइल टीम को एक बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिला है। टीम बच्चे को सीएससी चिन्याली से ले गई, परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। रेल परियोजनाओं प्रभावित का कर्मिक अनशन शुरू, तो 10 दिन में कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए गांवों में जनसंपर्क करेंगे एएनएम और आशा। तो जिले में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। पहाड़ों में झमाझम, यहाँ 7 साल से बारिश हुई सबसे कम, तो अगस्त में अब तक केवल 190 mm बारिश हुई है। आशा से अभद्रता, महिला अस्पताल में हंगामा। तो जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए आशाओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं खबर है, हरिद्वार से छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष समेत 3 पर गैंगस्टर। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व उसके भाई के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। बंदी रक्षक की नौकरी से मोह भंग, वन रक्षक बनने की जंग। तो प्रदेश भर में जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षकों में ग्रेड पे को लेकर के आक्रोश पनप रहा है। वहीं खबर आई है, जस खानपुर से लापता महिला और किशोर हरिद्वार से बरामद किए गए। ये बेजुबान है इसलिए मौन है। तो 4 लाख पशुओं का खुरपका मुंहपका से बचाव के लिए नहीं हुआ टीकाकरण। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, दो सिडकुल में काम करने वाली युवती को एक युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दहेज नहीं देने पर दिया 3 तलाक, केस दर्ज किया गया। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो झटका, पहाड़ के 25 रूटों पर रोडवेज बस सेवा बंद हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने सड़कों पर उतरा अमला, तो सुशीला तिवारी के बाहर खड़े वाहन उठाए गए। स्पा सेंटर में दे व्यापार, 5 गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने पंचक्की के पास एक स्पा सेंटर में छापा मारा। स्पा सेंटर में अनैतिक देह व्यापार के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं को पकड़ा गया है। विश्वविद्यालय में डाटा मिलने पर शुरू होगी MBK में प्रवेश प्रक्रिया। तो MBPG कॉलेज प्रबंधन ने नए सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की पूरी तैयारियां कर ली हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 30 को, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार 30 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार जन्माष्टमी विशेष संयोग लेकर आ रही है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो मेनका कला ने यूनम पर्वत का किया सफल आरोहण। तो पीर पंजाल श्रृंखला की चोटी पर तिरंगा फहराने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से बरामदों में टहल रहे तेंदुओं से दहशत में शहर के लोग हैं। 2 लोगों में मिला डेल्टा वेरिएंट, तो प्राइवेट लैब स्वास्थ्य विभाग ने 1.5 माह बाद भेजी रिपोर्ट। 1 लाख से अधिक बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 6 से 11 सितंबर तक चलेगा अभियान। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से सितंबर पहले सप्ताह से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन। तो 16 आवास तैयार कर डॉक्टरों की किए गए आवंटित। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से सड़क पर पलटी बस, 10 यात्री घायल, 2 को रेफर किया गया। अब व्यू पॉइंट से खड़े होकर देख सकेंगे सरयू का नज़ारा। तो नुमाइश खेत के पास नगर पालिका बना रहा है व्यू पॉइंट। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो फंदे पर लटकी मिली है विवाहिता, तो मायके वालों ने ससुरालों पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा काटा। वहीं रुद्रपुर में युवक ने
गजरोला में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। कार की चपेट में आने से बालक की मौत हो गई। तो दिनेशपुर से खबर आई है, विवाहिता से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाई। तो हल्द्वानी निवासी महिला ने विवाहिता बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए उधम सिंह नगर निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।